محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم جناب الجيرمن صاحب فلكنا सेनेट को आला कहते हैं सबसे बड़ी मजलिस और उसमें अपने उम्रसीदा संजीदा लोगों को लाया जाता है कि ये संजीदा बातें करें और अपने मुल्क के लिए सही कवानीन की निशानदेही करें फिर वो कवानीन मुल्क में जारी हों उनका कौल उनका फ़ेल वो ऐसा हो कि दूसरे लोग देखकर उस पर अमल करें अभी मुझे छः साल इधर हो गए माशाल्लाह, बड़ी बड़ी ऊंची जो गालियाँ हैं वो यहाँ से निकलती हैं मेरे ख़्याल में कौमी असम्बली में भी इतनी नहीं होंगी जितनी यहाँ से होती हैं अब सोना ख़बर है कि हालांकि यहाँ हमें ऐसा होना चाहिए और ये जो हमारा मुल्क बना है वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला रसूलुल्लाह इस नाम पे बना है लेकिन यहाँ जितनी भी बातें होती हैं उनमें अक्सर शरीयत के ख़िलाफ़ होती हैं इस्लाम में जान माल इज्जत हर मुसलमान की नहीं अगर अकलियत है तो उसके जान माल इज़्ज़त की हिफाजत इस मुल्क की ज़िम्मेदारी है अगर किसी गैर मुस्लिम को भी ना हक कोई तकलीफ देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन हजी जू यूमल क्या यह केस अल्लाह के सामने मैं ले जाऊँगा कि मेरा उम्मती होकर उसने इस पर जुल्म क्यों किया ठीक है उसकी आखिरत अपनी है जैसी भी बने लेकिन इंसाफ ऐसा होना चाहिए मेरा जिस सूबे से ताल्लुक है ये ग्यारहवीं सदी हिजरी से पहले भी इस्लाम था लेकिन नसीर ख़ानूरी के ज़माने से हिजरी अभी चौदह सौ है ग्यारह सौ पैंतालीस पचास में और अभी दो हज़ार जो है पैंतालीस है अब आप इसमें अंदाज़ा करें कि कवानीन उनको हदूद कहा जाता है किसास कहा जाता है ताज़ीरात कहा जाता है सारे शरीयत के मुआफिक अब वो हल होते थे लेकिन चलते चलते फिर अंग्रेज़ जब इधर आया और उसने हमारी हुकूमतों पर कब्जा किया तो उसने किसास और हदूद इनको ख़त्म किया ताज़ीरात के लिए जिरगे रखे उसने लेकिन इस्लाम का कानून ये है कि शरीयत कुरान के मुताबिक जो कवानीन हैं वो हो हम जब जमहूरीत की बात करेंगे तो वो जमहूरीत जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ना हो अगर अक्सरियत ने कोई ऐसा फ़ैसला दिया जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है क्यों दस्तूर में ये है आइन में ये है कि कुरान हदीस के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा अब कितने हमारे ऊपर हो रहे हैं बलूचिस्तान में अल्लाह ने इतने मदनियात दी हैं अल्लाह ने इतने इलाके दिए हैं अगर वो मकामी लोगों पर सही ये तकसीम हो तो आप क्या कहते हैं हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए वो काफी हो जाएंगे सेंधक से जो आमदनी होती है बलूचिस्तान को कितना मिलता है गैस सुई गैस से जो निकलता था उसमें से कितना हिस्सा दिया गया जब जुल्म होगा तो फिर वहां अमन नहीं होगा तो बलूचिस्तान में मैं कहता हूँ हमारी जाने भी महफूज नहीं है एक चेयरमैन साहब बात अर्ज करूँ कहते हैं जी वहाँ बागी हैं बी एस ओ है फिलहान है ठीक है कोई भी गलत आदमी हो आप उसको अदालत में लाएं हम ये नहीं कहते हैं कि खिलाफ कार्रवाई ना हो लेकिन ऐसे गायब करना इनको ख़त्म करना ये इस्लाम भी नहीं कहता है और किसी मुल्क का आइन भी नहीं कहता है औरतों के लिए इस्लाम में इज़्ज़त है बलूचिस्तान से आए ठीक है उन्होंने कहा हमारे लोग गए हैं वो वापस दिए जाए अगर नहीं है तो कम अज कम चेयरमैन साहब इज़्ज़त के साथ उनके साथ पेश आना यह ठंडे पानी उन पर फेंकना और उनको धक्के देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हातिम ताई की बेटी आई है मैंने शेख सादी का गुलिस्तान एक किताब है उसमें लिखा हुआ है कि वो आई उसने बताया मैं जो हातिम है सखी मैं उसकी बेटी हूँ आपने अपनी चादर उसके सिर पे रखी मो काफर की बेटी आती है कैद होकर आती है लेकिन फिर भी उसकी इज्जत इज़्ज़तूर सल्ला वसलम फरमाते हैं और हम इनको धक्के देंगे तो क्या बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी या नफ़रत होगी मोहब्बत बरकरार रखनी है वहाँ के हकूक़ वहाँ के लोगों को दिए जाएँ अभी इलेक्शन में हमारे कई लोग रह गए और ज़्यादती के ज़रिए से रह गए हैं जमीयत के भी हैं उनमें दूसरी पार्टियों के हैं और वो धरने देकर बैठे हुए हैं यहाँ बातें हो रही हैं कि जी कुछ नहीं है अब ये हुकूमत बना लो कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं होगा हम कहते हैं ये दोबारा हो और हमारे जो हैं हुकूक बलूचिस्तान में और दूसरे हमारे हुकूक जो हैं वो हमें दिए जाएं लेकिन हमारे तरफ तवज्जो नहीं दी जाती अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो इंसाफ से होगा एक हदीस है एक कौल है हदीस है यह कौल है कि अकूमत तदुम वलव का नत काफरतन इंसाफ़ वाली हुकूमत जो होगी इंसाफ़ करेगी काफिर की हुकूमत होगी वो कायम रहेगी। रहेगीकूमतमत लातदमो और जिन लोगों की हुकूमत जुल्म वाली होगी लातदमो वो कायम नहीं रहेगी हम जो दिन ब दिन बदलते रहते हैं ये जुल्म की वजह से है और फिर हम अपने मकसद के लिए दरवाज़ों पर चले जाते हैं मुल्क के खिलाफ करते हैं तारीख़ ने जहाँ सुल्तान टीपू को याद रखा है और दूसरे लोगों को उन गद्दारों के भी नाम तारीख में हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ का साथ दिया अब जो भी गद्दारी करेगा ठीक है उसका नाम आएगा लेकिन कैसे आएगा जाफ़र और सादिक जैसा उसका नाम आएगा जाफर अज बंगाल सादिक दकन नंगे दीनों नंगे मिल्लत, नंगे वतन तो ऐसी बातों से हमें अल्लाह महफूज रखे थैंक यू अल्लाह ताला खुश रखे Amen. हमारे ये एहतजाज पंजाब में भी हो रहे हैं सिंध में भी हो रहे हैं बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हम कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म न हो और मौलाना रहमान साहब ने जितनी मेहनत की है अल्लाह उसको खुश रखे सलामत रखे अल्लाह उसको ज़िंदाबाद रखे व आखिर दावाना अनहमद